जय श्री जयशी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य संजय सक्सेना। आज मैं आपको एक पूजा देने आई हूँ और ये पूजा है भगवान श्री हनुमान जी की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ क्लेश लगा ही रहता है। कभी क्लेश होता है पति पत्नी के बीच में, कभी क्लेश होता है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, कभी क्लेश होता है सास और बहू के बीच में, तो कभी क्लेश होता है दामाद और सास ससुर के बीच में, कभी क्लेश होता है बॉस के और एम्प्लॉय के बीच में, तो कभी क्लेश होता है पड़ोसी से, कभी क्लेश होता है अपने आसपास के लोगों से, तो कभी क्लेश होता है कलीग से, कभी क्लेश होता है स्कूल की मैडम से, तो कभी क्लेश होता है जिस जगह हम काम कर रहे हैं उस जगह से। यानी कि हमारे लाइफ में बहुत क्लेश चलता है, क्लेश 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 क्लेश। तो लाइफ में जो लोगों के क्लेश चलता रहता है तो क्लेश क्या करते हैं, शत्रु पैदा करते हैं। जैसे ज़्यादा क्लेश हो जाएगा तो सास चाहती है कि मेरी बहू घर छोड़ के चली जाए और मेरे पति बेटे से तलाक हो जाए, मैं तो दूसरी बहू लूंगी। बहू सोचती है ज़्यादा क्लेश हो जाए कि सास को छोड़ दे मेरा पति और मेरे साथ अलग जाके कहीं रहे। इसी तरह से हर जगह का कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि जात बिरादरी नहीं मिलती है, या फिर कौम की बात आ गई, कम्युनिटी की बात हो गई, या ये हमारे लेवल का नहीं है, ये भी बात आ जाती है। तो यानी कि जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में क्लेश पड़ गया है, सामने वाला आपकी बात भी नहीं मान रहा है, क्या करें? ना तो सामने वाला बात मानने को तैयार है, क्लेश भी हो रहा है। जैसे लड़कियां बोलती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा नहीं मान रहे, उसकी शादी कहीं तय कर दी, क्या करूं दीदी? उसके लड़की देख रहे हैं या उसकी शादी कहीं तय कर दी है। इसी तरह से लड़कियां लड़के भी बोलते हैं कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी मम्मी पापा नहीं तैयार हो रहे हैं, मैं बहुत मनाने की कोशिश कर चुका दीदी, नहीं मान रहे, क्या करूं? तो उसके लिए और इस सब के लिए मेरे पास आज आपके लिए एक नया प्रयोग है, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोल देती हूँ, कुछ चीज़ें समझ लो। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है जिसमें है शादी या सगाई तोड़ने का उपाय, और उसमें चौराहे पे जाके उंगली काट के उसमें से खून भी गिराना है, माँ काली का एक मंत्र दिया हुआ है। जिन जिन लोगों को अपने बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड की मैरिज को ब्रेक करवाना है, जाके वो उपाय जरूर कर लेना। मेरे पास उसके 100% रिजल्ट्स हैं, मैंने जिसको कराया है और जिसने ईमानदारी से अगर किया है। लेकिन करने से पहले कुछ इसके कायदे हैं। अगर तुम करने से पहले ये सोचोगे कि हे चौराहा नहीं मिल रहा है, कैसे ढूंढूं, कहाँ मिलूं, एक लड़की है दिल्ली की, मैंने उसको बोला था, उसको मैंने ये उपाय नवंबर के एंड में दे दिया था कि अमावस आ रही है तुम कर लो, अभी 25 तारीख को फिर अमावस आ रही है, 24-25 अमावस पड़ेगी। तो उस लड़की के पास मुझे समझाने के लिए कितने बहाने थे, मतलब बॉयफ्रेंड की शादी है जनवरी के एंड में और उसको मेरे पास कितने बहाने थे, हमारे दिल्ली में तो कैमरे लगे हैं, चौराहा बहुत व्यस्त रहेगा, मैं कैसे करूँगी, मेरे माँ बाप रात में मुझे निकलने नहीं देंगे, मैं शाम को भी नहीं जा सकती हूँ। अरे भाई, तुम्हारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेज है तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो ना, क्यों पड़ी उसके पीछे शादी करने के लिए? अब किसी की शादी है, आप उसको काटना भी चाहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी देवी या देवता की पूजा करेंगे 10-15 दिन में वो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि जाके उसकी शादी ब्रेक हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए भी मेहनत लगेगी, आपको जाके मंदिर में बैठने पड़ेंगे, आपको जाप दूंगी, आपको जाप करने पड़ेंगे। तो मैंने उसको बोला था, मैंने उसको समझाया था, मैंने कहा हो जाएगा, तुम कोशिश करोगी तो हो जाएगा। अगर तुम पहले ही इस तरह की बातें करोगी कैसे होगा, कैसे जाऊंगी, लोग देख लेंगे, कैमरे लगे हैं, ये है वो है, तो भैया अगर तुम्हारे पास इतने एक्सक्यूज है तो भगवान तो पहले ही सोच के बैठा है, क्योंकि जिसको चाहिए है ना वो लड़ झगड़ के कैसे भी करेगा, मुझे पता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, मैं उसकी शक्ल भी नहीं जानती हूँ, उसने मुझे यूट्यूब से ढूंढा, व्हाट्सअप पर मैसेज किया, लगातार 10 दिन तक लगातार उस लड़की ने मुझे कॉल मैसेज किए। तो फाइनली मैंने उसका 6ठे या 7वें दिन का मैसेज रीड कर लिया। जैसे ही उसने देखा, जैसे वो मेरे इंतजार में बैठी हुई थी, जैसे ही उसने देखा मैंने उसका मैसेज रीड किया, उसी समय उसे कॉल, और वो इतने दिन से फ्रीक्वेंट मुझे मैसेज कर रही थी, तो मैंने उसे कॉल बैक लगाया। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहती मेरे बॉयफ्रेंड की मैरिज छुड़वाओ, मुझे नहीं पता। आप यकीन मानेंगे, लड़की की जात, मैंने उसको शमशान घाट भेजा था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की शादी 7 दिन बाद थी। वो बंदी गई है शमशान घाट, और शमशान घाट में वहां पे जाके जैसे मैंने उसको प्रयोग बताया था उसने किया, उसका काम हुआ, लड़के की शादी ब्रेक हो गई। तो काम तो सबके होते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। तो मैंने उसको बोला देख, मैं नहीं करूंगी, मैं हूं ही, मैं कुछ नहीं हूं,
मैं माध्यम हूँ, मैं बता सकती हूँ करना तुझको है, क्योंकि उंगली तेरी चलेगी मेरी नहीं चलेगी। अगर सबकी शादियाँ ब्रेक करने के संध्या सक्सेना की उंगली जलती तो मैं अपनी उंगली काट के दे देती कि लो मेरी उंगली से सब काम चला लो, पर उससे फ़ायदा नहीं है ना, आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको अपना ब्लड खुद देना पड़ेगा चौराहे पर जाके, तो आपका काम हो जाएगा, उसका भी हुआ आपका भी होगा। तो जिसकी भी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जिसके भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की शादी, मैं शादी लगने की बात कर रही हूँ, इंगेजमेंट की बात कर रही हूँ, उस शादी की बात नहीं कर रही कि शादी तोड़ दो, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आने वाले टाइम में कुछ समय में शादियाँ होने वाली हैं और वो परेशान है। तो आज का जो वीडियो सुन रहा है देख रहा है, भैया कर लो कर लो, मुझे बार बार मैसेज मत करो, तंग मत करो कि दीदी कैसे होगा कैसे होगा, वीडियो देखो करो, और भी तो लोग कर रहे हैं, तुम भी कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, विश्वास रखोगे तो जरूर होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो सभी लोग जिनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उनसे दूर हो गया है, उनसे बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं बात कर रहा है, वो थक गए हैं, तंग आ गए हैं, तो माँ कामाख्या का एक वीडियो डाला है, वो वीडियो चंद ग्रहण पे कर सकते थे, जो लोग कर लिया, जो लोग कर सकते हैं अभी मकर संक्रांति पे स्टार्ट कर लो, गुप्त नवरात्रे हैं 25 तारीख को उससे स्टार्ट कर लो, उससे पहले अमावस लग जाएगी 24 तारीख को उस पे कर लो, उसके बाद 29 तारीख को ये भी है, अरे वो पतंग उड़ाते हैं ना बसंत पंचमी, 29 जनवरी को बसंत पंचमी है, तब कर लो कर लो कर लो कर लो। कामाख्या माँ का है, कर लो बस आज से, अभी से स्टार्ट कर लो, जब आप मेरे ऑडियो सुनोगे उसके बाद से स्टार्ट कर लो, आपका काम होगा। इस तरह से बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, देखो करो, विश को लिखना शुरू करो, आपका काम जरूर होगा। और शिवलिंग की स्थापना करो घर में, अगर आप हिंदू हो तो शिवलिंग की स्थापना, कौन सा पारद का शिवलिंग घर में रखना बहुत शुभ होता है, सारे काम बनाता है पारद का शिवलिंग। मेरे घर में दो शिवलिंग रखे हैं पारद के, एक मेरे मंदिर में रखा है जो मेरा अपने घर का मंदिर है, एक मेरे घर में बेल का पेड़ लगाया है मैंने छोटा सा गमले में, उसके अंदर मैंने शिवलिंग रखा है पारद का, वहाँ पे भी रखा है मैंने पारद का शिवलिंग रखो, लेकिन शिवलिंग छोटा होता है, पारद का अंगूठे से छोटा होना चाहिए, मतलब आपका जो भी अंगूठा है ना उससे छोटा शिवलिंग होना चाहिए, 25-30 ग्राम का हो, 40 ग्राम का हो, ऐसे 12 ग्राम का, 20 ग्राम का, 25 ग्राम का, 30 ग्राम का, जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना अच्छा रहता है, ठीक है। अब शिवलिंग ले लो, इसके अलावा ये जो होती है 6 मुखी रुद्राक्ष, दो काम करती है 6 मुखी रुद्राक्ष, आपका प्यार भी आपको देगी, आपकी शादी भी करवाएगी, आपके प्रेमी से आपका प्यार मजबूत भी करेगी, और जिसको नौकरी जॉब में प्रमोशन चाहिए, हाई लाइफ चाहिए और बहुत अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसे 6 मुखी रुद्राक्ष की माला आती है, उसको धारण करना चाहिए, उसको गले में पहन लो, उसमें 108 मन के होंगे, सिद्ध की भी होनी चाहिए, चाहे वो पारा शिवलिंग हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो 6 मुखी रुद्राक्ष की माला हो, सिद्ध करके पहनो, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं 10 बार बता चुकी, गौरी शंकर रुद्राक्ष रखो अपने घर में, गले में पहन के रखो, मतलब गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से भी प्यार संबंध में अच्छा होता है, पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं, ये भी मैंने आपको 10 बार बताया है। आपका जो उत्तर की दिशा है आप पे घर की, वहाँ पे भागते हुए सफ़ेद घोड़ों की तस्वीर लगा के रखो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका चाहे जॉब हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, शादी हो, चाहे आपका तलाक होने वाला हो और उसको रोकना हो, कुछ भी काम हो, भागते हुए घोड़ों की फोटो लगा लो उत्तर दिशा में, ना आपका काम बन गया, मतलब फोटो उत्तर दिशा में ही लगानी है, ठीक है। इसके अलावा जो पूरब की दिशा है वहाँ पे एक सूरज के तांबे का सूरज लगा दो, तो आपके जो लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन हो गया, लोग नहीं मान रहे हैं, ये है वो है, वो आपको हेल्प करेगा, आपको ऊपर तक ऊर्जा तक ले जाएगा, आपको बिजनेस में, आप अपनी जहाँ शॉप लगाते हैं वहाँ पे ईस्ट की जो पूरब की दिशा है वहाँ पे एक सूरज लगा दो तांबे का, फिर देखो काम कैसे चलता है, खटाक खट सारे काम बनेंगे, ऊंचे में उठोगे, बहुत नाम इज्जत शौहरत कमाओगे, इनकम एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया 100 तरीकों से इनकम निकलेगी। इसी तरह से अगर आपको कोई हराता है, आपको कोई डराता है, आपके ऊपर कोई हावी रहता है, चाहे वो आपकी सास हो, ससुर हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर आपको हमेशा डरा के रखते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा, निकल जाए बाहर, ऐसा वैसा कुछ भी हो, अगर आपका पार्टनर है आपको इस तरह से बोलता है, तो आपका साउथ और ईस्ट की जो कोना होता है उसमें एक शेर पीतल का ला के रख दो। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं इससे करने से। और जो दक्षिण पश्चिमी का जो भी दिशा होती है ना, दक्षिण पश्चिम का दिशा, वहाँ पे ये जो होते हैं ना मेंडिक डक्स जो होती है, मतलब जो डक का जोड़ा होता है ना, डक का जोड़ा जो एक दूसरे को प्यार करता है, बत्तके, उसको दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखो, ठीक है। और कभी भी भूल के भी जिन लोगों को लव मैरिज करनी है नॉर्थ ईस्ट में सोना मत, अगर नॉर्थ ईस्ट में सोते हो तो लव मैरिज नहीं होगी, इसको याद रखना, शादी नहीं होनी, जितने लड़के लड़कियां नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं सोते हैं, जिनकी शादियां होनी है उनकी शादी नहीं होगी जो नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, ठीक है। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, इसको ध्यान रखो। शुक्र के सारे उपाय किया करो,
बृहस्पति के उपाय किया करो और शनि के उपाय करा करो, इससे आपको फायदा होगा। शनि के उपाय का मतलब ओम शनि शनिश्चय का नामा का जाप करना और शनि चालीसा रात को पढ़ के सो जाना, 324 बार ओम शनि शनिश्चय का जाप कर लिया करो रात को सोते समय, इससे आपको फायदा होगा। शुक्र के लिए सुबह जब सो के उठते हो नहा धोकर पूजा करते हो तो ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कर लो, अमेरिकन डायमंड पहन लो, फिरोजा पहन लो, आपका शुक्र मजबूत होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के साथ पता क्यों बता रही हूँ हनुमान, क्योंकि मुझे तो कुछ और देनी थी हनुमान जी की पूजा, क्योंकि जो लोग हैं ना भटक जाते हैं ना कि उनको वीडियो नहीं मिलती, मुझे बोलते ना दीदी वीडियो नहीं मिल रही है, तो आपको इसी वीडियो में सब कुछ बता दिया। और एक मेरा 100% रिजल्ट वाला एक वीडियो जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें बताई कि किसको किस चीज़ को करने से फ़ायदा हुआ, उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज मैं आपको बता रही थी हनुमान अष्टक के बारे में, और जो फिरोजा पहनोगे ना, जितना बड़ा फिरोजा पहन लोगे उतना फ़ायदा होगा, बता रही हूँ। इंडियन आइडल में अभी एक लड़की है स्तुति नाम की, स्तुति तिवारी, जिसने री एंट्री मारी है, आपने उसका हाथ नहीं देखा होगा, उसने बता कितना बड़ा फिरोजा पहना हुआ है, सिद्धिव या फिरोजा है, फिरोजा आपको नाम इज्जत शोहरत प्यार शादी मन की शादी सब कुछ देगा, बहुत बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिरोजा। फिरोजा नहीं पहन सकते अमेरिकन डायमंड ले लो, क्योंकि इतना बड़ा फिरोजा महंगा आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें करोगे तो आपको आपकी लव रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, ठीक है। आज हम बात करें संकट मोचन हनुमान अष्टक। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं, तो क्या करना है अगर आपको बहुत बाधा आ रही है, जैसे आपको अचानक से आप पे कर्जा हो गया, आपके ऊपर पुलिस केस हो गया, अगर आपको किसी ने डरा दिया, किसी तांत्रिक ने डरा दिया, देख तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, अब मैं इस लड़के को ऐसा कर दूंगा, फिर देख तू कैसे रोएगी। जैसे एक लड़की का फ़ोन आया था तांत्रिक अंकल ने उसको क्या बोला कि अगर तूने मुझे शाम तक 11,000 रुपये नहीं दिए तो तेरा जो बॉयफ्रेंड है उसका खून निकालूंगा वो रो रो के मुझे मैसेज कर रही है। तो मैंने 5-6 दिन बाद जब उसका मैसेज पढ़ा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, तो उसको 11,000 क्या, तो 21,000 भी दे देगी ना, तब भी कुछ नहीं होना, ठीक है। तो जब आपको कोई डरा दे, कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ जाए, या आपको आकस्मिक विपत्ति आ जाए, आपको कोर्ट केस हो जाए, पुलिस केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की माता पिता कोई आप पे हावी हो जाए, आपका पति प्रेमिका सास ससुर कोई भी हावी हो जाए, यानी किसी भी तरह की जब आपको लाइफ में दिक्कत आती है, दुर्घटनाएं होती है, चोटें लगती हैं, आपको कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, आप डिप्रेशन में चल जाते हैं, आपको मानसिक चिंताएं होती हैं, मानसिक परेशानियां हो जाती हैं, तब आपको ये करना है। क्या करना है अब बताऊंगी। सबसे पहली बात तो जिस टाइम आप इसको करेंगे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, समझ ही गए होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे जिस दिन आप ये वाली पूजा करोगे उस दिन आपको जमीन पे सोना है, ठीक है, ये जरूरी है। तीसरे नंबर पे आपको लाल रंग के कपड़ों में ही ये पूजा करनी है, ठीक है। हनुमान जी के आगे जो है चमेली के तेल का दिया लगाना है, जितनी देर साधना करोगे तेल का दिया जलता रहना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना है, यानी कि गुड़ खरीद के लाओगे। किसी भी तरह का आसन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका मुंह कहाँ होना चाहिए, दक्षिण के रूप में, दक्षिण दिशा होती ना। हाँ, तो आपको करना क्या है, हनुमान जी की प्रतिमा जो भी लेके आएंगे, लाल रंग के कपड़े पहन के लाल रंग के आसन पे आपको करना है, आपका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके करके सम आपको जो हनुमान जी की तस्वीर सामने रखो, दक्षिण की तरफ मुंह कर लो, और फिर आपको संकल्प लेना है, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता या पति का नाम अमुक है, मैं अमुक कार्य के लिए अमुक की, मेरे बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, मेरा पड़ोसी नहीं मान रहा है, मेरे बॉस नहीं मान रहे हैं, मेरे सर नहीं मान रहे, मेरे मम्मी नहीं मान रहा, मेरे पापा नहीं मान रहा, मुझे क्लेश हो गया है, मेरे को रोग हो गया है, मुझे शत्रु आ गया है, मेरे पर केस चल रहा है, मुझे जेल होने की संभावना है, ये वो सो जो भी आपको दिक्कत है, दुर्घटना हो गया है, बीमार हो गए हैं, जैसे हस्बैंड किसी का कोमा में चला गया है, आते हैं ना लोगों के मैसेज मेरे पास, तो ऐसे जिसका जो भी प्रॉब्लम है वो मंगलवार की रात्रि को लाल रंग के कपड़े पहन लेंगे, आसन पे बैठ जाएंगे और हनुमान जी की तस्वीर को सामने रखना है, उनकी तरफ दक्षिण की तरफ मुंह आपका रहेगा, तो हनुमान जी की तस्वीर जाहिर सी बात है दक्षिणी दिशा की तरफ ही रहेगी। तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें खूब अच्छी तरह से जल भर लेना है, लाल रंग के फूल ले लेने हैं और सिंदूर ले लेना चाहिए, सिंदूर वाला जो हनुमान जी को चढ़ता है ना ऑरेंज वाला वो, और साथ में थोड़े से लौंग और जायफल भी रख लेंगे, कम से कम 2 जायफल रख लेना और कुछ लौंग रख लेना, लेकिन लौंग होनी चाहिए वो वाली जो टूटी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, बाजार से मड़ी लेके आनी है। अब बोलोगे मड़ी क्या होती है, तो मड़ी बताती हूँ,
ये जो एक्यूरियम होता है ना, जो जहाँ एक्यूरियम रखते हैं वहां पे ना चमकीले चमकीले पत्थर मिलते हैं, या फिर आपको वो भी ना मिले तो फिर एक काम करना, स्टोन वाले की किसी के शॉप पे जाना, जब चमकीले पत्थर मिले ये भी रखते हैं, ये जो नग वगैरह रखते हैं जो तीन तीन चार चार रुपए के नग आते हैं, ऐसे आप नग ले लेना, ठीक है? जैसे 51 नग ले लिया आपने, ठीक है? अब आप क्या करोगे, रात में जब आप ये पूजा करेंगे, देखो सुबह से शाम तक ब्रह्मचार्य का पालन रखना, कुछ उल्टा सीधा चीजें मत खाना, कोशिश करना निहार रहना, निहार का मतलब व्रत रखना, मतलब कि आप कोई बहुत वैसा गरिष्ठ खाना ना खा के, जैसे आपने केला खा लिया, पपीता खा लिया, या आपने कोई फल खा लिया, दूध पी लिया, हलवा बना के खा लिया, यानी कि इस तरह की कोई चीज़ हो जो हल्की हो वो खा लेना, लेकिन जैसे रोटी वोटी चावल वावल थोड़ा, जिससे क्योंकि आपको समस्या ना हो शाम को पूजा करने में, तो आप निराहार रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब फास्टिंग रख सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, उस दिन फास्ट रख लो, जैसे भी है। और क्या करेंगे, गुड़ जो है ना, गुड़ गुड़ का तो आपको भोग लगाना है, और अगर आपको घी के बने हुए लड्डू मिल जाए तो आप उससे भी ले सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को आप करना है तो कैसे करना है अब बता देती हूँ आपको। सबसे पहले बैठ जाना है, संकल्प लेना है, मेरा नाम अमुक है, मैं फला फला कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए इसको करने जा रहा हूँ। जब आपने कर लिया, सामने जायफल और लौंग रख दी, जो मड़ी लेके आए थे ना लाल रंग की, जो मैंने आपको बताया ना चमकीले पत्थर 2-3 रुपए के जो स्टोन्स मिल जाते हैं, अरे हमारे अंगूठी अंगूठी टूट नहीं जाती, तो उसमें लाल लाल रंग के स्टोन्स भर लेते हैं, वैसे वाले छोटे छोटे ले आना। अब आपको वो जैसे आपने ले लिया 51 ले ली, अब आप क्या करेंगे, अपने पास वो सारे इकट्ठे कर लेना। अब फिर आपको पाठ करना है, कैसे करोगे, हनुमान अष्टक का पाठ करना है, संकट मोचन, बाल समय रवि बख्शी लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो, ये वाला जो है ना हनुमान अष्टक, इसका आपको पाठ करना है। जब आपका एक पाठ पूरा हो जाएगा तो एक मड़ी भगवान हनुमान जी का जो फोटो रखा है ना आपने, उस पर चढ़ा देंगे। चमेली के तेल का दिया जलता रहना चाहिए, इस बात का याद रखना है, और अच्छी सी धूप भी जला देना। फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे 51 पाठ करने हैं, ठीक है? जितना भी टाइम आपको लगता है, किसी कारण से अगर आप 51 पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको 11 पाठ या 21 पाठ तो करने ही है, 11 है, 21 है, 51 है, जैसे भी आप चाहो आप पाठ कर सकते हो। इन पाठों को करने के बाद क्या करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंगल से स्टार्ट करके, तो जैसे मैंने आपको बताया आपको 11 बार 21 बार 51 बार, देखो 51 बार बेस्ट रहता है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे दीदी 51 बार नहीं कर सकते हैं, तो यार 21 बार तो कर ही लेना। अगर वो भी आपकी लाइफ में कलेश है कि मैं इतना नहीं कर सकता, तो कम से कम 11 बार पढ़ो, लेकिन मैक्सिमम जितना पढ़ते हो तो अच्छा रहता है। और जो लोग 108 बार पढ़ लें, क्या बात है। आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि मंगलवार से शुरू करके नेक्स्ट मंगलवार तक, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार सोमवार फिर मंगलवार तक पढ़ो, ऐसा भी पढ़ सकते हो, ठीक है? फिर इतने दिन रोज आपको फास्टिंग रखनी पड़ेगी। मैं फास्टिंग से ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही खाना पीना बैन है, मतलब ये है कि आप कम से कम, जैसे हम भर भर के खा लेते हैं ना वैसे ना खा के, कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं आप। और दूसरा ये भी है कि जिन लोगों को दिक्कत हो वो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को कर लो, और ऐसा भी कर सकते हैं कि हर मंगलवार को कर लो, ठीक है? वो आपको देखना है, मेरा काम तो आपको बताना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको गुप्त नवरात्रि में, हाँ ये जो गुप्त नवरात्रि है ना 25 तारीख को गुप्त नवरात्रि है, 25 तारीख से लेके 4 फरवरी तक रोज कर लो, 25 मतलब रोज कर लो आप। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, यदि आप नाइट में नहीं कर सकते हो तो जो नियम बताए ब्रह्मचार्य वगैरह का उसको पालन करना, लेकिन सुबह उठ के जैसे सो के मतलब उठते हो ना, हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाओ नहा धोकर और वहां कर लो, लेकिन कायदा वही रहेगा कि आपका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, भले हनुमान जी कहीं भी बैठे हो उससे मतलब नहीं है, और एक एक उनको दान देते रहना, आपका मुंह दक्षिण में होना चाहिए, समझे? अगर आप हनुमान अष्टक का ये पाठ मंदिर में जाके करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप सुबह सुबह जाके मंदिर में कर लो, या शाम को जाके मंदिर में कर लो अगर आप कर सकते हो तो। ये तो मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। और ये जो लड्डू मैंने आपको बताए थे, ये लड्डू आपको भगवान को चढ़ाने हैं और उसके बाद आपको घर में बांट लेंगे। जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी, यानी कि जितने भी आपने वो हनुमान अष्टक के वो जो वो चढ़ाए थे ना, वो छोटी छोटी जो लाल लाल पत्थर जो आपने चढ़ाए हैं स्टोन्स वगैरह, उसी पे आपको ओम हनुमंते नमः का जाप भी करना है। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, उसी पे आप जाप भी कर लेना 108 108 बार करके, उसके आप जाप कर लेना, ठीक है?
अब आप इसको अगर कर लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, 51 कर लो, 108 कर लो, 11 कर लो, 21 कर लो, पाठ आपको सोचना है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि करना है ऐसे तो आप देख लो, सुबह करना है तो देख लो शनिवार, और रात में करना है तो देख लो। नीचे सो जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सो सकते हो तो कम से कम थोड़ा अलग सोना, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। और अगर आप सिर्फ मंगल मंगलवार करते हो तो सिर्फ उस दिन का ध्यान रखना, और शनि शनिवार करते हो तो उस दिन का ध्यान रखना। अगर मंगल और शनि दोनों टाइम करते हो तो फिर आप देखना। तो इससे क्या होगा, आप इसे करके देखो, आपका जो भी भयंकर वाला रोग हो वो भी दूर होगा। और हाँ, अब ये क्वेश्चन आएगा कि हमने जो एक बार चढ़ा दिए हैं क्या हम उसको अगेन कर सकते हैं, तो हाँ ठीक है, आपने जो चढ़ाए आप उसको उठा लो, उठा के ले आओ। अगर आपको सस्ते मिले हैं, एक एक दो दो रुपए के स्टोन्स जैसे मिल जाते हैं वो मिले हैं, तो चलो आपने 11 स्टोन 11 रुपए के लिए थे चढ़ा दिए, फिर आप और ले आओ स्टोन बाजार से खरीद के, लाल रंग के ला सकते हो। स्टोन वही है जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं क्या, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाते हैं, रंग बिरंगे स्टोन्स होते हैं, तो उसमें लाल रंग का स्टोन लेके आना है। 3-4 रुपए के इतने सारे मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे लाते हैं ना, मैंने देखा है बच्चों को खरीदते हुए, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप उसको ले लीजिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने इसीलिए आपको वीडियो दिया है कि आप इसको करो सिद्धि। अब इसको कब 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 कर सकते हैं वो भी बता देती हूँ। आप इसको कर सकते हो, अभी परसों मकर संक्रांति है उस पर कर सकते हो, मंगलवार को कर सकते हो, शनिवार को कर सकते हो, अभी अमावस आएगी उस पर कर सकते हो, पूर्णमासी पे भी कर सकते हो। आप इसको ये जो अभी 29 तारीख को बसंत पंचमी आ रही है उस पर भी कर सकते हो, 25 तारीख से लेके 4 फरवरी तक जो ये नवरात्र है, गुप्त नवरात्र, उस पर भी कर सकते हो। उसके बाद 21 फरवरी को भगवान शिव की शिवरात्रि है, उस पर भी कर सकते हो। इसके बीच में अमावस्या पूर्णमासी जो पड़ेगी उस पर भी कर सकते हो। आप ठेठ मंगलवार को भी कर सकते हो, शनिवार को कर सकते हो, ऑक्यूपिशियस डे पे कर सकते हो, रवि पुष्य नक्षत्र पे कर सकते हो, गुरु पुष्य नक्षत्र पे कर सकते हो, बड़ा मंगला है उस पर कर सकते हो, और अभी चंद्र ग्रहण पड़ेगा मई में उस पर कर सकते हो, चंद्र ग्रहण फिर से पड़ेगा मई में उस पर कर सकते हो, 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस पर कर सकते हो, होली की रात कर सकते हो, दिवाली की रात कर सकते हो, दशहरे पे कर सकते हो, यानी कि बहुत टाइम है आपके पास करने के लिए, अगर आप करना चाहेंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयरिंग कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही चाहिए है और मेरे वीडियोस की शेयरिंग चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे कॉल बिल्कुल मत करना और व्हाट्सअप भी मत करना, अगर करने की जरूरत पड़ जाए व्हाट्सअप तो जब तक जरूरी ना हो तब तक व्हाट्सअप मत करना। 8126476399 मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अगर आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कलेश इतना बढ़ गया है कि आप उसको झेल नहीं पा रहे हैं और आपको मेरी मदद की लगे जरूरत, तो ही आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर देना। मैं धीरे धीरे मैसेज पढ़ रहा हूँ, कल मैंने 3 और 4 तारीख के मैसेज पढ़े हैं, आज मैंने 5 तारीख के मैसेजेस पढ़े हैं, कुछ मैंने आज सुबह के मैसेज भी पढ़े हैं, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार मैसेज आते हैं, कितना पढ़ सकती हूँ आप बताओ ना, इसलिए ठीक है। पूजा पाठ भी करनी होती है, लोगों को बताना भी होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम